बच्चों देश के भावी गणमान्य, जब भी मैं इस विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहले मुझे इस विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभा को नमन करने का मन करता है। ये वो विद्यालय है, आप उस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं जिसने सतना जिले का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। केवल एक नहीं, प्रदेश स्तर की दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं। एक तो ये जो अभी आपके संचालक महोदय ने और आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने बताया, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से बच्चे अपने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जाने, इस उद्देश्य से ये प्रतियोगिता वर्ष 2016 से चल रही है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं आपसे ये बात शेयर करूँगा कि शुरुआती वर्षों से ही सतना जिला प्रदेश की हॉट सीट पर बैठा है। जो 6 टीमें जिला स्तर पर जिनका चयन होता है उसमें प्रथम स्थान पाने वाली टीम को स्टेट लेवल के कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है। तो तीन तीन बार इस विद्यालय को, जिसने सतना जिले का प्रतिनिधित्व किया, उसे हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला प्रदेश में। और इतना ही नहीं, एक बार ये विद्यालय उप विजेता रहा और ये रनिंग ट्रॉफी वर्ष 2019 में प्रदेश के विजेता के रूप में इस विद्यालय ने कब्जा किया और इस जिले का नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा किया। ये प्रतियोगिता अभी आगामी 24 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजित होगी और जो भी टीम पहले स्थान पर आएगी उसे स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे केवल यही गुजारिश है कि इस विद्यालय से, इस विद्यालय का गौरव, इस जिले का गौरव, विभिन्न क्षेत्र का गौरव, ये रनिंग ट्रॉफी जो ये विद्यालय अपने प्रदेश को सुपुर्द करने आज जा रहा है, ये मेरी आंतरिक इच्छा है कि ये ट्रॉफी फिर से आप यहाँ पर लेकर के आएंगे। भाई आपने कई बार ये सुना होगा मंचों में कि कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आप अगर ठान लोगे तो ये रनिंग ट्रॉफी फिर से आपके विद्यालय में स्टेट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर इस ट्रॉफी पर कब्जा करके फिर से ये ट्रॉफी आपके विद्यालय में आ सकती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, खूब पढ़ो, पढ़े चलो, इन सब भावनाओं के साथ आप खूब पढ़िए, अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया तैयारी करिए।